मेरे प्यारे पुत्र संजय कुमार, आप अपने युद्ध नीति का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि आपका युद्ध नीति महाविनाशकारी, भयंकर और महाशक्तिशाली है, जिसका तोड़ इस संसार के किसी के पास नहीं है। मेरे प्यारे पुत्र संजय कुमार, आप कलम के लिए बने हैं, तलवार के लिए नहीं। मुझे वह दिन याद है जब ज्योतिष ने कहा था कि आपकी रूह इस विश्व को जीतने के लिए हमेशा तड़पती रहेगी, आप एक विश्व विजेता बनने के लिए हमेशा तड़पते रहेंगे। मेरे प्यारे पुत्र संजय कुमार, इसमें कोई शक नहीं कि आप एक महायोद्धा, वीर और पराक्रमी हैं। मेरे प्यारे पुत्र संजय कुमार, आप अपने सपने को याद कीजिए, यह सोचिए कि गॉड आपके सपने में क्यों आते हैं, आपके सपने में थ्योरी और साइंस के रूल क्यों आते हैं। पापा, मैंने आपके मैसेज पर बहुत सोचा। आप मुझे तलवार की तरफ नहीं जाने देना चाहते हैं, क्योंकि मैं अच्छी तरह यह सोच लिया हूं, यह जान लिया हूं कि आप अपने बेटा को खोना नहीं चाहते हैं। जिस तरह आप अपने बाप को खो दिए, आप अपने बेटा को नहीं खोना चाहते हैं। मेरे पापा, आपको मेरे युद्ध नीति पर शक है? आप खुद कह रहे हैं कि मेरे युद्ध नीति को कोई नहीं तोड़ सकता है, फिर आप मुझे तलवार की तरफ क्यों नहीं जाने देना चाहते हैं? मैं उस रास्ते पर खड़ा हूं जिधर से एक रास्ता कलम की तरफ है, तो एक रास्ता तलवार की तरफ। पापा, उस कलम का क्या फायदा जो कलम गुलाम हो? उस कलम का क्या फायदा जो निर्दोषों को बचा नहीं सके, जो अनाथों पर को बचा नहीं सके? पापा, अनाथों पर, निर्दोषों पर क्या बीत रही है, क्या दुख है? इस दुख को मैंने महसूस किया है। कुछ अनाथों पर अत्याचार हो रहे हैं, कुछ मजदूरों पर अत्याचार हो रहे हैं। क्या गॉड मुझे सपने में युद्ध नीति इसलिए देते हैं कि मैं अपने सामने अत्याचार सहूं, मैं अपने सामने अत्याचार देखूं? निर्दोष लड़कियों का रेप कर दिया जाता है और उसके बाप कंप्लेन नहीं करता है इसलिए कि उसकी बेटी का शादी नहीं हो सकता है। कुछ जगहों पर ऐसा होता है। कुछ अनाथों पर अत्याचार होता है, लेकिन अनाथ अत्याचार को सहते रहते हैं, कुछ अनाथ अत्याचार के खिलाफ नहीं उठते हैं, क्योंकि वह कमजोर है। कुछ मजदूरों पर अत्याचार होता है और मजदूर अत्याचार सहते रहते हैं, क्योंकि मजदूर के पास वह ताकत नहीं होता है जो अन्याय से लड़ सके। पापा, मैं जानता हूं कि गॉड ने मुझे स्पेशल बनाया है। इतनी कम उम्र में बड़े बड़े आविष्कार मैंने किए। इतनी कम उम्र में मैंने टाइम ट्रेवल मशीन का फर्स्ट पार्ट इन्वेंशन कर दिया। कलम से मैं बहुत प्यार करता हूं। आप चाहते हैं कि मैं कलम की तरफ जाऊं, आपकी ख्वाहिश है कि मैं कलम की तरफ जाऊं। मैं आपकी ख्वाहिश जरूर पूरा करूंगा, लेकिन मेरे दादा एक महायोद्धा थे, उनकी तलवार को भी मैं नहीं छोड़ सकता हूं। मैं दो तरफ हूं, मेरी माइंड, मेरा शरीर, मेरा सब कुछ दो तरफ खींचा जा रहा है। एक तरफ कलम तो एक तरफ तलवार, एक तरफ दादाजी तो एक तरफ आप। पापा, मैं आपको वचन देता हूं, मैं किसी भी निर्दोष पर अपने भयंकर, महाविनाशकारी और शक्तिशाली युद्ध नीति का इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं आपको वचन देता हूं कि आपका यह महायोद्धा पुत्र हमेशा निर्दोष अनाथों का रक्षा करेगा, निर्दोष मजदूरों का रक्षा करेगा, निर्दोष लड़कियों का रक्षा करेगा। पापा, मुझे अपने सपने अच्छी तरह याद है। मेरे सपने में साइंस के रूल्स आते हैं, थ्योरी आते हैं। मैं जानता हूं कि मैं विज्ञान के लिए बना हूं। इतनी कम उम्र में बड़े बड़े आविष्कार मैंने किए। मैं कलम उठाऊंगा,
लेकिन मैं आपको ये भी वचन दे रहा हूं, मैं कभी अन्याय नहीं सहूंगा, कभी भी नहीं। यही मेरा अंतिम फैसला है।